साथियों, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, इसे रिसर्च और साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा। इससे शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो मातृभाषा में पढ़ाई को महत्व देती है। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक बार अमेरिका गया तो एक परिवार में मुझे रुकना था और मुझे उस परिवार की एक आदत मेरे मन को छू गई। मूल वो तेलुगु परिवार था, लेकिन उनके घर में नियम था, लाइफ तो अमेरिकन थी, जीवन तो वहीं का था, लेकिन नियम था कि कुछ भी हो जाए, शाम को खाना खाते समय टेबल पर परिवार के सब लोग साथ बैठेंगे। और दूसरा था, शाम को खाना खाते समय परिवार का एक भी व्यक्ति तेलुगु भाषा के सिवा एक भी भाषा बोलेगा नहीं। उसके कारण वहां जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी तेलुगु बोल लेते थे। मैंने देखा है, मास्टरिन परिवार में जाएंगे तो आज भी सहज रूप से आपको मराठी भाषा सुनने को मिलेगी। बाकी लोगों का ऐसा नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर उनको हेलो हाउ करने में मजा आ जाता है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव हुई है। इतना ही नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा, एक गरीब आदमी आपकी अदालत में आता है और आप उसको अंग्रेजी में जजमेंट देते हैं, वो बेचारा क्या समझेगा, क्या दिया है आपने। और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो जजमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मातृभाषा में दिया जाता है। मराठी में लिखी साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, पोएट्री और तमाम विषयों की किताबों की उपलब्ध होती रही है और बढ़ रही है। हमें इस भाषा को व्हीकल ऑफ आइडियाज बनाना है ताकि हमेशा जीवंत बनी रहे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मराठी साहित्य की रचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि मराठी भाषा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे।